पीसीसी कंपनी भटियास के कमांडर जेएस मराठा, जोनल एजुकेशन ऑफिसर भटियास फरीद अहमद फानी और जिला विकास परिषद कहरा महराज मलिक की देखरेख में जोन भटियास के 13 स्कूलों में मुफ्त किताबें, कंप्यूटर और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ओल्ड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया मिल्कपुर, जिसमें डीडी परिषद महराजदीन मलिक, जोनल शिक्षा अधिकारी भटियास और एसएसबी कमांडर जेएस मराठा ने अलग अलग भाषण दिए और स्कूली बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। इस पे विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सक्षम और बुद्धिमान हैं, केवल कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षकों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने और बच्चों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया, एक साथ शिक्षित करना ताकि गरीब परिवारों को बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और एक अच्छा स्थान प्राप्त हो। जोनल शिक्षा अधिकारी भटियास ने धन्यवाद दिया एसएसबी कंपनी भटियास, जिन्होंने जोन भटियास के विभिन्न स्कूलों के लिए उपकरण प्रदान किए। सुरक्षा के लिए डेस्क से अजय ठाकुर के साथ देखिए भलेसा से हमारे संवाददाता अकरम मलिक की ये खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया टूर, मेडिकल सर्टिफिकेशन, स्वच्छता अभियान, प्लांटेशन का कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। आज इसी काम में स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आप लोगों के कुछ चुनिंदा स्कूलों को हमारे एसएसबी सेवन बटालियन की तरफ से कंप्यूटर स्टडी मटेरियल दिया गया है, ताकि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में सुधार आ सके तथा सामाजिक सुधार लाया जा सके। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि टीचर्स और बच्चे जो सामान आपको दिया गया है इसका सही उपयोग कर एक नए समाज का निर्माण करेंगे और अपने भविष्य के लिए फील्ड में आने वाली कठिनाइयों को ठीक ढंग से तय करेंगे। इसके साथ साथ बस 2020 जो हमारे देश में जितना कहें भाई से जोनल एजुकेशन ऑफिसर भटियास में ये कहूं कि सेवंथ बटालियन एसएसबी की तरफ से जो आज यहां पर असिस्टेंट कमांडर साहब मेरे साथ शाना बशाना है, इन्होंने आज हमारे हायर सेकेंडरीज, बहुत सारे हायर सेकेंडरीज, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स के तमाम, मैं अगर फदर फदर नाम लूं, बहुत सारे स्कूलों को सामान दिया, डेस्क कहीं पर डेस्क दिए, कहीं पर अपने खेल का सामान दिया, कहीं कंप्यूटर दिए, उसके बाद स्कूल बैग दिए। तो काफी तादाद में कोशिश उन्होंने की है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेटअप को, जिसका सिलसिला चल रहा है इस कोरोना के चलते, फिर भी उन्होंने काफी कुछ कोशिश की है। मैं अपनी तरफ से जनाब असिस्टेंट कमांडर साहब का मशकूर ममनून हूँ कि ये आज नहीं बल्कि हमेशा से इस किस्म के प्रोग्राम करते आए हैं, हर स्कूल हर जगह सामान देते हैं और चलते हैं, और ये मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में भी हमारे इधर यहाँ पर अगर सद्भावना के तहत आप लोगों का ये सिलसिला अगर बनता है तो मेरी यहाँ पर बिल्डिंग है तकरीबन डैमेज हो चुकी हैं। हाँ, अगर कोई माइनर शाइनर अगर नहीं ना बन सके, लेकिन डैमेज बिल्डिंग का थोड़ा सा कोई आप अपना ये बनाएं, तो एक बहरहाल मंदिर मस्जिद और स्कूल एक ही बात होती है। तो मैं कहूंगा मेरे जो बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो दरबदर है महरूम इस चीज से, छात्र भी कहीं पर नहीं, कहीं कुछ नहीं है, हम डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट हमारा ये काम कर रहा है, लेकिन अगर आपकी तरफ से सहायता होगी तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक आपकी तरफ से सवाब का काम होगा। सर, जहाँ ये एसएसबी की तरफ से इतनी हेल्प की जा रही है बच्चों की, तो वहीं अगर टीचर्स भी इतनी हेल्प बच्चों को करेंगे तो इस पे क्या कहते हो आप? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि टीचर्स हेल्प करेंगे मॉनेटरी तौर पर अपने हिसाब से अगर स्कूल के लिए कुछ दें या बच्चों के लिए कुछ, ऐसा कहना चाहते हैं अगर, तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। अगर सब मिलजुल कहते हैं मिलजुल के करो तामीर चमन, ए दोस्त तुम तो इंसान हो, पत्थर भी अगर हो जाए जमा दीवार खड़ी होती है। मेरी तो बहुत बड़ी खुश माशाल्लाह मेरे तमाम टीचर तबका जिनको कहीं पर भी खड़ा कर दो खड़े हो जाते हैं, हर जगह हर काम में शाना बशन है। अगर इस किस्म की बात अगर कहते हैं तो हम आज से इस मिशन पे डट जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी तरफ से मेरा टीचर शाना बशन आपके साथ पीछे नहीं रहेगा। जहां बच्चों की जरूरत होगी, जहां बच्चों का मसला कोई होगा, ये छोटा मोटा काम भी होगा, पढ़ाने का काम तो है हमारा, लेकिन इसके अलावा जो आपने सवाल किया है इंशाल्लाह इसमें हम शाना बशन रहेंगे। एसएसबी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आज इतने स्कूलों के लिए साजो सामान दिया? एसएसबी के लिए जो हाँ इस वक्त ने काम किया, इनके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, वो वर्ड्स ही नहीं, थैंक्स करूं मैं यही कहूँ कि हैट्स ऑफ कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने इस इलाके में खासकर सर्दी के मौसम में इस बर्फबारी में इतना सामान था ताम जाम करना चलाना, ये इन्हीं का जिगरा है और हम इनको सलूट करते हैं। ये न सिर्फ ये काम करते हैं बल्कि इस वक्त अगर हम रात ये तो सात बार जोड़ के रात की नींद अगर हम करते हैं वो भी इन्हीं की बदौलत करते हैं, ये पहरेदारी करते हैं और नींद से सोए रहते हैं, हर मरहले हर जगह हमारे आर्मी जनाबरी सुपर हैट्स ऑफ।